हेलो गाइस, वेलकम इन टू अवर क्लासेस। जो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था, कुछ प्रॉब्लम देखी थी सिंपल, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे उनको, कुछ बेसिक हमने अभी क्वेश्चन देखे थे। आज हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। राम को श्याम से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो श्याम को राम से कितने परसेंट कम अंक प्राप्त हुए। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जो आप बेसिक कंसेप्ट है, यानी आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक आप इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन कम पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूं। पहले आपको जो आपका बेसिक तरीका रहेगा उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ले लें कि राम को श्याम से 20% अधिक मिलते हैं। तो हम कहें कि जो श्याम के अंक हैं, श्याम के अंक हैं श्याम के अंक वो हम ले लेते हैं 100। यहाँ पे आप एक्स करके भी करेंगे तो वहां पे अगर आप एक्स लेके सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या रहेगा कि कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम कैलकुलेशन कम करने के लिए हम यहाँ पे 100 ले लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए श्याम के अंक 100 है यानी 100 है, तो राम के कितने हो जाएंगे, राम के अंक, तो राम के अंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 100 तो थे ही यानी 100 उसके होंगे, प्लस 20% श्याम से अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का 20%। देखिए 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 + 100 × 20 / 100, ये हमने परसेंटेज निकालना सीख ही चुके हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 120, यानी 120 मार्क्स किसको मिलेंगे, राम को। तो श्याम को कितने परसेंट मार्क्स, श्याम का परसेंटेज कितना कम हुआ, देखिए 20 तो कम हुआ, तो 20 डिवाइड बाई किससे, राम से, तो राम से आप क्या करेंगे डिवाइड, इंटू आपको परसेंटेज निकालना, तो हमने बात की था परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इतने परसेंट आपका कम हो, तो हम डिवाइड की देखिए 20 और ये 6 120, 6 से आप 100 को डिवाइड करिए तो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर पे आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 × 2/3%। तो देखिए ये आप एक जो बेसिक तरीका है उस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब एक और मैं आपको मेथड सिखाता हूँ कि जिसमें आपको कैलकुलेशन और इससे भी कम करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम को कितने ज्यादा मिला हुआ है मार्क्स, 20%, 20% राम को ज्यादा मिला श्याम से, तो हम देखिए 20% यानी 20% को अगर हम फ्रैक्शनल नंबर पे करें तो ये 20% कितना हो जाएगा आपका, 20 / 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो देखिए यहाँ पे 1/5 फ्रैक्शन, यदि ये 5 किसके हैं, आपके श्याम के नंबर हो, तो 5 से कितना आपका अधिक है राम के, एक नंबर अधिक है, तो जो राम के नंबर आएंगे, राम बराबर कितना जाएगा 5, देखिए 5 श्याम के, उससे कितना अधिक है 1, तो 5 + 1 = 6, यानी जो राम के कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए श्याम का कितना कम हो जाएगा, देखिए श्याम का तो एक नंबर कम कितना होगा 1, यानी श्याम का जो कम हो 1, और किससे कम है राम की तुलना से, तो राम के कितने हैं 6, और इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये आपको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 × 2/3%। तो इतने परसेंट क्या हो जाएगा, श्याम के कम है किसके तुलना में, राम के,
तो आपके देखिए ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं और ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम कम हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस मेथड को आप प्रेफर करेंगे जिससे आपको टाइम बहुत कम लगेगा। इसमें तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी अगर तो जो आपकी वैल्यू है और ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। और हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए को 25% कम अंक, ए को यहां पे आप ऐसा करिए, ए को बी से 25% कम अंक मिले हैं, कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो बी को ए से कितने ज्यादा अंक प्राप्त हुए। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से यहां भी सॉल्व करेंगे। आप जो एक बेसिक तरीका उसको तो सॉल्व करेंगे, सिंपल से जो शॉर्ट मेथड है उसी के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पे कह रहा है कि ए का 25% क्या है, बी से कम है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शनल नंबर पे कन्वर्ट करें तो देखिए 25 को क्या लिख देंगे, 25/100 25/100, तो आपको ये हो जाएगा 1/4। यानी कि अगर आपके बी के मार्क्स यानी जो बी के अंक हैं वो 4 हैं, यानी जो बी के अंक कितने हैं आपके 4 अंक हैं, तो बी से कितना कम है ए का, 1 कम है। यानी ए की अंक की बात करें जो एक अंक होगा वो कितना कम होगा, 4-1, तो जो एक अंक हो जाएगा वो 3। यानी कि ए के अंक कितने, 3। तो अब यहां पे कहना है कि जो बी का ए से कितना ज्यादा है, तो जो बी का ज्यादा होगा कितना ज्यादा होगा, कितने कम थे आप, 1 नंबर। यानी अब ए की तुलना में बी के 1 नंबर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और किससे, ए से, ए के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 33, यहाँ परसेंटेज का साइन लगे, 1/3%, इतने मार्क्स आपके क्या होंगे, बी के ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग, हो सकता है आपको ये तरीका आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। क्योंकि जब भी हम कोई शुरुआत में कोई मेथड सीखते हैं तो वो हमें शुरुआत में हार्ड लगता है, इसके बाद जैसे हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है कमांड में तो ही हमारे लिए मेथड ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके को अगर आप प्रिफर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन है एक, राम की आय श्याम की आय से 50% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से 50% कम होगी। सेम देखिए जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहां पे किसकी ज्यादा है, राम की, किससे, श्याम से, और कितनी ज्यादा है, 50%। तो यहां पे राम की ज्यादा है यानी कि कितनी ज्यादा है, 50%।
50% को आप फ्रैक्शनल नंबर इन भिन्न में कन्वर्ट करिए तो आपका 1/2। इसके पहले हमने फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट करना सीख लिया, तो मैं डायरेक्ट बार बार आपको वही स्टेप नहीं रिपीट करूंगा। आप प्लीज उसको सीखिए और प्रयास करिए कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, क्योंकि अगर अभी से आप हैबिट बनाएंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए तो आपको एग्जाम में यही काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हर एक स्टेप को लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में भी हमारी यही हैबिट होती है, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है इन सब की। तो देखिए यहाँ पे कितना 1/2। अब कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 50% ज्यादा, यानी कि दो आपकी किसकी आय हो जाए, यदि श्याम की आय होगी तो राम की आय कितनी हो जाएगी, श्याम से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो जो राम की इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 2+1=3, यानी 3 हो जाएगी राम की आय। तो यहाँ पे श्याम की आय कितनी कम होगी, जो श्याम की आय पहले राम की आय एक ज्यादा थी, अब श्याम की आय एक कम हो जाएगी, किसकी तुलना में, राम की तुलना में, यानी 3 राम की आय, उसे डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट किए तो कितना 33 × 1/3%। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। आगे आते हैं और किस तरीके से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जितने तरीके से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर उन हर एक टाइप के क्वेश्चन आप पहले से किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है कि राधा की आय मीरा की आय से, मीरा की आय से 40% कम है तो मीरा की आय राधा की आय से 1% ज्यादा होगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप जैसे भी पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे सॉल्व करिए। यहां पे देखिए किसकी आय ज्यादा है, राधा की, किससे, मीरा से कितनी ज्यादा है, 40%। इसको 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो ये आपका हो जाएगा 40/100। इसको आप लिख दीजिए 2/5, यानी कि अगर 5 आय किसकी, आपकी मीरा की, तो राधा की आय कितनी हो जाएगी, 2 कम होगी तो राधा की आय कितनी हो जाएगी, 2 कम यानी 5-2 कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारे मीरा का परसेंटेज कितना हो जाएगा, जो मीरा का परसेंटेज हो जाएगा, मीरा की आय कितनी ज्यादा हो जाएगी, अब 2, तो 2 मीरा की आय ज्यादा हुई, किससे, राधा की तुलना से, राधा की आय 3 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इतने परसेंट हो गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 66 × 2/3%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और देखते हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यदि चाय के दाम 10% बढ़ जाएं तो उपयोग में कितने परसेंट की कमी होगी,
यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय की दाम 10% बढ़ दी गई, यदि हम इसी रेट परसेंटेज से आपके जो खर्च है उसको भी बढ़ा देते तो हमारे उपयोग में कोई कमी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमने क्या किया कि हमने खर्च को उतना ही रखा। तो अगर हम खर्च उतना रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो उपयोग है उसे कम करना पड़ेगा। तो सेम जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये भी जो पिछले क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इनको कैसे करेंगे, यानी 10% दाम बढ़ रहे हैं, जो दाम कितना बढ़ रहा है 10%, 10% को फ्रैक्शन में लिखे तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी ये 10 कितना है आपका पुराना, यानी 10 पुराना कितना आपका बढ़ गया 1, यानी आपका नया रेट क्या हो जाएगा, नया जो दाम होगा पहले 10 था उसमें कितना बढ़ गया प्लस 1 हो गया, यानी 1 आपका क्या इंक्रीज किया दाम, तो यहाँ पे 1 आप ऐड करी तो यहाँ पे नया प्राइस कितना हो गया 11। लेकिन आपके पास जो बजट है वो 10 रुपए ही है, आपने पैसा को तो इंक्रीज किया नहीं, तो आप कितना कम खरीदेंगे, तो आपके जो उपयोग में कमी होगी, आपके जो उपयोग में कमी होगी, यानी आप 1 रुपए पैसा कम, सॉरी 1 रुपए आपके पास कम है तो उतने रुपए की आपके पास कमी होगी, तो यहां पे देखिए उपयोग में कितनी कमी होगी, आपके पास कितने रुपए कमी है 1 रुपए की कमी है, ठीक है। अब आपका नया रेट कितना है 11 रुपए, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए इनटू परसेंटेज में निकालना है कमी कितना, परसेंटेज में 100 हो जाएगा। अगर परसेंटेज में नहीं बात करते तो ये आपकी 1/11 आपका फ्रैक्शनल नंबर पे होगी कि 1/11 पार्ट आप उपयोग कम करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शनल में परसेंटेज में कह रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 9 × 1/11% आपको उपयोग को क्या कम करना पड़ेगा। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे एक ही मेथड के, मैं बस ये डिस्कस करूँ कि आपके एग्जाम में किस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करके आपके क्वेश्चन दे सकता है। तो आप सारे क्वेश्चनों का जो तरीका हो तरीका को सीखिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और एक बार आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस किए ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि यदि चावल के दाम 7/7% बढ़ जाए तो उपयोग में कितने परसेंट की कमी होगी, यदि खर्च को 9 बढ़ाया जाता है। तो देखिए यहां भी वही क्वेश्चन वही हमें अप्लाई करना है जो मेथड पिछला मेथड था। तो यहां पे देखिए दाम में कितने परसेंट की कमी हो जा रही है, सॉरी इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है दाम में कितना, 7% की आपकी इंक्रीमेंट हो, इसको आप फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 1/14 आप इतने प्राइस के इस रेट में आपका फ्रैक्शन नंबर से आपकी प्राइस बढ़ रही है। तो देखिए 14 आपका क्या था, पुराना प्राइस था, यानी कि ये आपका पुराना दाम है, नया दाम पे कितने की आपकी बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको जो नया प्राइस हो जाएगा क्या हो जाएगा, नया प्राइस 14 + 1 = 15,
तो आपके कितने परसेंट की उपयोग में कमी होगी, परसेंटेज उपयोग में कमी। देखिए कितने परसेंट कमी होगी, एक की, क्योंकि पहले आप 15 का खरीदे थे, आप 14 का ही खरीद के लाएंगे, तो देखिए कितना होगा, 1, और कितना नया दाम है 15 × 100। तो आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6 × 2/3%। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पे मैं इस तरीके जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन मैं आपको समझाने के लिए बार बार दिखा रहा हूं। आप इस पोर्शन को भी यहां हटा सकते हैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट इस वैल्यू को निकाल कर डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आपका पुराना था, कितना का इंक्रीज हो गया 1 का, तो 14 + 1 ये आपका क्या, इतने फ्रैक्शन से यानी 1/5 पार्ट आपके उपयोग में कमी होगी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 × 2/3%। तो आपको ये सारा दिखाने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना, ये सब ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद समझना हो, और आप जितना कम तरीके शॉर्ट टाइम पे वो चीज सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि और किस तरीके से इसी मेथड क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई सात से नौ बटे 13% घटा दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे क्षेत्रफल में कोई कमी ना हो। देखिए यहां पे क्षेत्रफल को क्या कांस्टेंट बनाए रखना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको क्या लंबाई में लंबाई को घटाना है और आपको चौड़ाई बढ़ानी है। देखिए आप क्या घटा रहे हैं, लंबाई, यानी आप लंबाई घटा रहे हो तो आपको चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपका क्षेत्रफल क्या कांस्टेंट रहेगा। आप लंबाई कितनी घटा रहे हो, 7 से 9 बटे 13%। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह 13 × 7 = 99, 100 × 1/13। यानी अगर आपकी पुरानी लंबाई ये आपकी क्या है, पुरानी है, और इसमें से आप कितनी कम कर रहे हो, एक कम कर रहे हो, तो आपकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 − 1 = 12। यानी आप की जो नई लंबाई होगी 12, यानी 13 थी अब आप 12 कर दी, तो आप इसी अकॉर्डिंग कितना आपकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, तो आपकी जो चौड़ाई में आपकी जो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी वो कितनी रहेगी, 1% बढ़ानी पड़ेगी आपकी चौड़ाई, तो एक, और किसके कंपेरिजन में, तो लोग के यहाँ हो जाएगा 12। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज। अब आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 8 × 1/3%। तो इतनी आपको क्या चौड़ाई को बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका हमें सुझाव जरूर दें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके गाइस, थैंक यू।